नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। हरिहरपुर पंचायत के डगर गांव के वीरेंद्र सिंह और मदन मोहन सिंह के घर अज्ञात लोगों के द्वारा मंगलवार की रात डकैती की गई, जिसमें कुछ जेवरात, पैसा, मोबाइल फोन इत्यादि सामग्री चोर ले उड़े। कांडी प्रखंड से हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरिहरपुर बस स्टैंड के समीप डगर गांव में मंगलवार की रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों के द्वारा वीरेंद्र सिंह एवं मदन सिंह के घर डकैती की गई, जबकि वीरेंद्र सिंह और घर वालों को पता तक नहीं चला कि हमारे घर में डकैती हुआ है। तो वीरेंद्र सिंह के छोटा बेटा रवि सिंह ने मदन सिंह को हल्ला किया कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो मदन सिंह ने भी अपने घर के दरवाजे को खुला पाया तो उन्होंने भी बोला कि हमारे भी घर का दरवाजा खुला है और मेरे घर में भी चोरी हो गई है। इसके बाद रवि सिंह ने कुछ ग्रामीणों को फोन की मदद से बुलाया और हरिहरपुर ओपी को सूचना दिया। बुधवार की सुबह अपना दल बल के साथ ओपी प्रभारी शौकत खान ने सूचना मिलते ही वीरेंद्र सिंह और मदन सिंह के घर पर जाकर घटना स्थल का मुआयना किया। पीड़ित वीरेंद्र सिंह का कहना है कि मेरे घर में 15,000 रुपए कैश और पत्नी तथा बहू का ज्वेलरी, साड़ी इत्यादि चोरी हो गई तथा घर से महज 100 मीटर की दूरी पर 4 सूटकेस और बैग कपड़ा फेंक कर चले गए, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है, एवं मदन सिंह के घर से 2 मोबाइल और 2 टॉर्च की चोरी कर ले गए। दोनों पीड़ित ओपी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित वीरेंद्र सिंह का शक है कि 2 दिन पहले मुझे बर्बाद करने की धमकी मिला था। धमकी देने वाले व्यक्ति इस प्रकार है: नंदू यादव, पिता मिट्ठू यादव, ग्राम मझगावा सत्येंद्र यादव, पिता कामेश्वर यादव मझगावा, और विजय यादव, पिता चंद्रदेव यादव का नाम शामिल है। दोपहर रात को कब चला पता आप लोग को? 4 बजे। 4 बजे चला पता? हाँ। अच्छा, कैसे मतलब हुआ चोरी? चोरी हुआ। चोर कैसे आपके घर पे आया? लेटी महंगे चढ़ के अपना भीतर आ गया। मैं जगह दिखाइएगा कैसे चोरी हुआ था। चोर इधर से आया था क्या? लेटिंग तरफ से। और चढ़ा मतलब इधर इधर से? लेटिंग से। बताओ मैं तो छत पर गया। छत से आंगन में आ गया। आंगन में चलिए। चोर इधर से आया मतलब? हाँ, इधर से डाका। अच्छा, चोर इधर से आके अंदर घुस गया। अच्छा, अंदर आया फिर खिड़की खोला, धीरे धीरे सामान सब निकाल लिया। क्या क्या सामान हुआ चोरी आपके यहाँ से? 5 अटैची जी, और अटैची में सब गहना गिठो कपड़ा लाता था ले गया। एक अटैची ले गया, 4 अटैची ना फेंक दिया था बाहर। तो अटैची में मतलब क्या क्या चीज था? अटैची में गहना था। हाँ। और माता जी के अटैची में 15,000 रुपया। हाँ। हमारे अटैची में 5,000 का। हाँ। 20,000 रुपया। गहना, 4 गो साड़ी। हाँ। ना, हाँ। VIP जो ले गया उसमें 4 साड़ी और गहना था। जो VIP चला गया उसमें 4 साड़ी और गहना। गहना, गहना में क्या क्या चीज था गहना आपका? गहना में सिकरी। गहना में क्या था? सिकरी। हाँ। पायल। हाँ। हार। हाँ। बाला सेट। हाँ। 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 मंगटीका, अंगूठी, बिछिया, कान टॉप, और पायल, मंगलसूत्र, परिवार के माता जी के बक्सा से 15,000 रुपया, और कान फूल माता जी के, पायल माता जी के, अंगूठी 1 पीस, 4 साड़ी। ये सामान कहाँ रखा हुआ था? ये सब बक्सा वगैरह? बक्सा वगैरह सब रूम में था। दिखाइए वो रूम में। इसी रूम में रखा हुआ था? हाँ, इस रूम में था। आप जब सोई हुई थी घर में तो पता नहीं चला आपको जब चोर आपके घर में घुसा? तो नहीं, हमरा पता नहीं चला कुछ। कोई चीज झोंक देने पड़े है बाबू नासा। अच्छा। मछली मांगत बा सुने। हाँ, नहीं जानी कैसन का हुआ। तो मतलब कब तक आप मतलब आप लोग का आभास हुआ कि मतलब हमारे घर में चोरी नहीं, हुआ? नहीं जान लियो। चोर जब आया तो आप लोग को कब मालूम हुआ?
जैसे 4 बजे भोर में जब रबी हरा किया ना कि मदन चला आपका केवाड़ी खुला है, हाँ, जब हम लोग उठ के देखने लगे तब पहले चोरी उनके हुआ हुआ, हाँ वहाँ हुआ पहले चोरी वीरेंद्र सिंह के यहाँ हुआ, हाँ। था उसके बाद मतलब वहाँ करने के बाद फिर आपके यहाँ आया, फिर आया तो हाँ। छत पर सोए हुए थे, हाँ, बगल में टॉर्च था, टॉर्च उठा लिया, हाँ, और फिर वहाँ से नीचे उतर करके हमारे रूम में तुरंत 2 पुराना बक्सा था उठा लिया, और फिर पतोहू के घर में हल करके वहाँ से टॉर्च उठा लिया और अटैची उठा के वहाँ से चल दिया। अच्छा, जब चोर आया तो आपके बगल से जब टॉर्च उठाया तो आपको मतलब आभास नहीं हुआ? नहीं, वहाँ बिल्कुल आभास नहीं हुआ, हम चुपचाप सोए हुए थे। चोर कैसे गया छत पे आपका? छत पर हम जाते नहीं देखे हैं, लेकिन जो टीन है, नहीं आप लोग को मतलब कुछ आभास हुआ होगा ना कि हाँ इधर से आ सकता है जा सकता है? नहीं, आभास पहले से नहीं था, पर डंटा यहाँ छूटा हुआ है, पैर का निशान है। अच्छा, ये डंटा मतलब चोर का ही है? ये चोर का ही है डंटा, मतलब चढ़ा है उसका, देखिए पैर का निशान है। अच्छा, जो जो चढ़ा है उसका पैर का निशान है, मतलब आपके हिसाब से चोर यहाँ सबसे चढ़ा, ये दरवाजे से ऊपर गया है? क्या क्या सामान हुआ चोरी आपके यहाँ? देखिए, जो ले गया उसमें 2 मोबाइल, हाँ, 2 टॉर्च, हाँ, और बाकी तो सब कपड़ा लाता वाला बक्सा सब फेंक दिया उधर। अच्छा, कपड़ा का जो बक्सा था वो फेंक दिया यहीं पे सब? हाँ। मतलब मेन सामान आपका गया है, 2 मोबाइल गया है, 2 मोबाइल और 2 टॉर्च, 2 टॉर्च, बाकी कुछ नहीं गया? नहीं, सामान बाकी नहीं गया, सिर्फ कपड़ा लाता वाला सब ले गया था उठा के। किसी पे कोई शंका? कोई शंका तो नहीं, कोई शंका नहीं है। थाने में आप आवेदन दिए हैं? आवेदन FIR दे कर दिए हैं। अच्छा, थाना आया था? थाना आया, जांच करके गया है यहाँ से। ठीक है।